फुल ऑन ऑफ रोडिंग ऑन स्कूटर सो भाई लोग आज हम स्कूटर पे जाएंगे तो बहुत दिनों से बंदों YouTube फैमिली आज आपका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। जैसे कि रोज ब्लॉग स्टार्ट होता है आज भी वैसे ही हो रहा है। करो कि हम किस में जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है वहाँ पे उस पे जा रहे हैं, फटाफट गैस करो। सो भाई लोग आज हम स्कूटर पे जाएंगे तो बहुत दिनों से बंदों की डिमांड थी कि भाई स्कूटर चलाओ, स्कूटर पे ब्लॉग बनाओ, तो भाई आज आपका स्कूटर लेके जा रहा है। So guys, सबसे पहले स्कूटर को ऐसे करना पड़ता है, गुड़ 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 साइड। वाह, ये बहुत दिनों बाद स्कूटर चलाया है पूजा, मजा आ रहा है। जब हम स्टार्ट करते हैं स्कूटर को तो भाई उसको थोड़ा सा साइड की तरफ लटाना पड़ता है। सो लेट्स राइड। सो गाइस, सबसे पहले स्कूटर में तेल रिफिल कर लेते हैं। ओके, पेट्रोल नहीं है ये, इसमें कभी पेट्रोल ही नहीं होता जिंदगी में, पेट्रोल नहीं है। सबसे बेकार पेट्रोल पंप है ये हमारे यहाँ का, दिल से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं है ना, प्रमोशन की बात है। इसमें यहाँ पे कभी पेट्रोल हुआ ही नहीं। लास्ट टाइम मैंने करेरी जाना था तब भी मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, यहाँ लेने आया था, यहाँ पे पेट्रोल नहीं था, फिर मैं अगले पेट्रोल पंप पे गया था लिफ्ट ले लेके। तो यार इस पेट्रोल पंप का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है ना अभी तक का, सबसे ज्यादा गंदा, घटिया और सबसे घटिया पेट्रोल पंप है हमारे इस इलाके में ये। हम स्कूटर पे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं अभी। अब मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, किसी लोकल दुकान में मेरे को पेट्रोल रिफिल करना पड़ेगा। स्कूटर के जो टायर होते हैं ना वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, उसके वजह से इसके जो सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा कि बाइक का होता है। स्कूटर आए थे तो बाइक वगैरह थी नहीं कुछ, ये रास्ता इतना ज्यादा क्लोज है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे अगर एक भी गाड़ी को पास लेने की जगह नहीं है ये। सो भाई ट्रैफिक से हम निकल चुके हैं। चाचा जी ने मेरे को कहा है स्कूटर को थोड़ा आराम से चलाइयो क्योंकि जो इसका सेकंड गियर है वो स्लिप करता है। इतनी जल्दबाजी में ना मैं आपको बताना भूल गया कि हम जा कर रहे हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं मऊवे दे पीर, हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, बाकी पता नहीं यार। पे बहुत बड़ा मेला होता है और खास बात वहाँ की ये है कि हमारे यहाँ पे वो जाना माना फेस्टिवल है और वो पानी के मतलब बीचों बीच बनाया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि वो एक्सप्लोर करना बनता है। आसपास के जितने भी लोग हैं हमारे जो ज्वाली के, सुबह 4 बजे चले जाते हैं आधे से ज्यादा तो, के वहाँ पे जाते हैं वो देखने के लिए, इतना ज्यादा क्रेज है यहाँ पे। ओके सो गाइस, टाइम अभी हो चुका है 7 बज गए। ओहो बाबू भैया, भाई लोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पेट्रोल डलवाएंगे दुकान में, तो हम दुकान में पहुंच चुके हैं। फिलहाल स्कूटर की जो तेल डालने वाली जगह है वो ऐसे खुलती है, सीट को खोल के उसके बाद ये रखना पड़ता है क्योंकि इसका जो तेल है वो उड़ जाता है। मैंने बोला पूजा स्कूटर पे जाना है, पूजा कहती ठीक है पर मैं लोअर पहन के चलूंगी। तो आगे एक स्कूटी जा रही है ठीक है, तो हमें लगा कि वो हमारे साथ में जा रहे हैं बंदे वो है, लेकिन वो नहीं थे। तो हमने इनको पकड़ने की कोशिश की लेकिन आगे जाके पता लगा कि ये है नहीं वो, तो हम कंफ्यूज हैं कि वो हमारे पीछे हैं कि वो हमारे आगे हैं। अरे वारे वाह, पुराने दिन याद आ गए। अभी हम पहुंच चुके हैं पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो, मतलब धमेटा से पीछे ही है लेकिन मेरे ख्याल से इधर ही है वो जगह जहाँ पे हमने जाना है, अभी कंफर्म नहीं है। मेकी क्या बता, पता नहीं क्या सीन पानी है यहाँ पे, आई डोंट नो। तो ये जो मेला था ये नहीं था वो, ठीक है डाउट में था थोड़ा काम, क्योंकि आजकल हिमाचल में हर जगह मेले वगैरह चल रहे हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन ये कन्फर्म हो गया कि ये वाला वो नहीं है जहाँ मेरे को जाना था। डोमेटा को रास्ता जाता है वो सामने डोमेटा का मेन, उससे पहले हमने नीचे को टर्न ले लिया। और यार काफी ज्यादा रश है यहाँ पे बाबा, लोग फुल ऑन ऑफ रोडिंग ऑन स्कूटर सो ये भाई ये चीज बहुत खतरनाक है। यहाँ पे तो बसेस भी लगी, कहते हैं कि आज के दिन स्पेशल बसेस लगाते हैं यहाँ पे कि लोगों को इजी रहे जाने के लिए, जिनके पास कोई व्हीकल वगैरह नहीं होता ना जो बस में आते हैं। ओ यार काफी ज्यादा बहुत दूर जाना है बाबा यहाँ से हमें। सो गाइस अभी हम पहुंच गए मेले में और जब फैमिली के साथ आना पड़ता है तो सब कुछ देखना पड़ता है। चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या है इधर। यहाँ पे मेरे पास ड्रोन नहीं है, नहीं तो मैं ड्रोन से आपको दिखाता कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, एग्जैक्ट पानी के बीचों बीच हूँ। सो मुझे लगा था कि यहाँ पे मेला शेला थोड़ा छोटा मोटा होता, इस तरह भाई लंगर भी लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको।
ये देखो लंगर लगा हुआ है। जितना बड़ा मेला हो रहा है ये उस मंदिर की वजह से हो रहा है कि ये पीर का मंदिर है, ठीक है। मैं आपको पास से फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मैं पहुँचा दूँ, एक बार अंदर का व्यू दिखा दूँ। इतनी भी लाइन लगी है ये इस मंदिर के लिए लगी है, ठीक है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और अंधेरा हो जाएगा उस चक्कर में। तो ये मंदिर है जो डैम के बीचों बीच है, इससे इतनी ज्यादा भीड़ लगी और इस वजह से ये मेला है, ये भंडारा है। तो चलो चलते हैं अपने साथियों के पास। फिलहाल हम खाएंगे नहीं लंगर क्योंकि भूख है नहीं, अभी हम घूमेंगे और सामान अगर जो पसंद आया वो लेंगे। क्या ले दिया इसको? ये बॉल नहीं है, ले बॉल नहीं है। और क्या खाना बताओ पूजा? तो गाइस अभिषेक शर्ट देख रहे हैं अपने लिए, साथ आ रहे हैं ना ये लोग। हमने तो भाई लोग ले लिए सामान, अभी हमने इतना घूमने के बाद सबको लग पड़ी है प्यास। हमारा स्वरित भी पानी पी रहा है, चीकू ने पानी पिया, नीतू भाभी ने पानी पिया, पूजा ने भी पानी पिया, मैंने नहीं पिया। पी लो तो। मैंने नहीं पीना रहा। तो अभी हम अगली दुकान में पहुंच गए और हम खेलने लगे ये वाली, इसको बोलते हैं रिंग्स नहीं, इसको बोलते हैं किस्मत, किस्मत खुलना। भैया दो तो बाबा लोग, अभी हमने टास्क हार गए हम फिर से और अभी हम यहाँ पे टिकट लेने लगे हैं। ये वाला झूला लेने लगे हैं तीन। चलो बाबा, रितु भाभी बाय, लेट्स गो बाबा, चलते चल पड़ा चल पड़ा चल पड़ा भाई लोग। मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, पता जब हम ऊपर जा रहे हैं ना पार्टी में गुदगुदी हो रही है, मजा आ रहा है। चिकू पाप मजा आया। पूजा तेरे को मजा आया? चीकू तेरे को मजा आया? भूख लग रही है, भूख खाने चलते हैं कुछ। मतलब इतनी सी देर में हमने बड़ा कुछ कर लिया, शॉप्स घूम ली, झूले ले लिए, सामान ले लिया जो जो लेना था। तो भाई लोग पकोड़े आ चुके हैं और खाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने पार्टनर्स सारे बोल रहे हैं कि यहीं पे खाने हैं पकोड़े। तो फिलहाल यहाँ पे खोलते हैं और फटाफट खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम आपको मिलेंगे सीधा घर पे। ओके, घर हम पहुंच गए और वीडियोस मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं, अभी थोड़ी देर में करते हैं इसको एडिट। और भाई लोग, मैंने अपने लैपटॉप के लिए अपने भाई से एक चीज मंगवाई थी, जिस क्या होता है ना कि जब हम लैपटॉप यूज करते हैं तो ये लैपटॉप जो है वो हीट करता है, तो इसलिए मैंने भाई, देख सकते हो इसके नीचे ये वाली जो जगह है इसमें है फैन, क्योंकि जितनी भी गर्म हवा होती है वो नीचे आती है और ये वाला जो फैन है वो उसको ठंडा करता रहता है। तो ऐसी चीज मैंने मंगवाई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, खुश रहो, मस्त रहो, आजाद रहो, जय जय जय।